आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ कैसे पहुँची और क्या करने आई हूँ, तो ये जानने के लिए हम चलेंगे टाइम में थोड़ा पीछे। तो जैसे कि पिछली लैंडर की वीडियो में आपने देखा ही होगा, और नहीं देखा है तो इसके बाद जाके जरूर देखिएगा। उसमें हमने यहाँ की कई मशहूर जगहों का स्वाद चखा था। और बस उसी तरह हम दूसरे दिन जब निकले अगली वीडियो शूट करने के लिए, तो घूमते घूमते मैं जहाँ पहुंची एक खूबसूरत मॉनेस्ट्री जैसी दिखने वाली जगह पे, जहाँ मुझे जाना तो था पर मैं उसे कुछ टाइम बाहर से ही निहारती रही और सोच ही रही थी कि क्या मैं अंदर जाऊँ या नहीं। बस उतने में ही एक लेडी मेरे पास आके बैठ गए और बस बिना कोई फॉर्मल इंट्रो के हमारे बीच बातें शुरू हो गई, और ऐसे ही बातें बिल्कुल जैसे कोई अपना जान पहचान का मिल गया हो किसी अनजान जगह पे। उन्होंने मुझे कहा थोड़ी देर में, तुम्हें मेरे कैफे तो आना पड़ेगा, पर मैंने उन्हें कहा कि कुछ टाइम में आती हूँ, मुझे फिलहाल ये सामने वाला डोमाजेन जाना है क्योंकि मैं यहाँ अपनी वीडियो शूट करना चाहती हूँ। और तभी मुझे पता चला कि ये खूबसूरत मॉनेस्ट्री जैसी दिखने वाली जगह जो मैं निहार रही थी पहले से और जाने का सोच रही थी, उसी की ओनर शांति जी खुद मेरे साथ कब से बैठे हुए थे वहाँ। और फिर क्या, इस बात पे हम खूब हंसे और उन्होंने मुझे डोमास के बारे में कई सारी बातें बताई। माय नेम इज शांति एंड डोमास इज माय ड्रीम एंड डोमास नेम ऑफ गॉड, नो गॉड तारा, एंड इट्स ओपन 2011। आई एम अ टूर ऑपरेटर, राइट, एंड मोस्टली क्लाइंट कम फ्रॉम द US, यू नो, देन ऑल ओवर द इंडिया, then sometime there's something 30 35 people 40 people, you know, and go at night 1 o'clock in the morning I reach a hotel and there's no toilet paper, you know, for Americans toilet paper everything, you know. That and no water, there's so many problem happen. Then that time I thought ki hey bhagwan, you know, mujhe ek chota sa guest house milta to bahut acha hota, you know. And my dreams come true. Yeah, so that's Doma. Yeah, that's it. और कुछ देर में हम अंदर चल पड़े। तो डोमाजेन लैंडोर के मेन रोड पे ही है और आपको बिल्कुल दिख जाएगा क्योंकि ये इतना खूबसूरत है बाहर से, तो नजर में ना आना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। यू नो, इन बाली इंडोनेशिया देयर इज अ स्टैचू आउटसाइड द फॉर गुड लक, यू नो, लाइक अ गॉड, यू नो, ओके, दिस इज माय चोगीदा। और अंदर आते ही ऐसा लग रहा था सच्ची कहीं टिबेट तो नहीं पहुंच गए। और सबसे पहली नजर जो मेरी पड़ी वो थी इन सुंदर थांका पेंटिंग्स पे जो यहाँ की सीलिंग पर थी। इन्होंने हमें बताया कि यहाँ टिबेट और नेपाल से आर्टिस्ट आए थे ये पेंटिंग्स बनाने के लिए, और जिसे बनाने में उन्हें पूरा एक साल लगा था। तो थांका पेंटिंग्स बेसिकली टिबेटियन बुद्धिस्ट पेंटिंग्स होती है जिसमें मंडलास, बुद्धा के लाइफ की कई सारी कहानियाँ डिपिक की जाती है, और जनरली ये मॉनेस्ट्री के वॉल्स पे या सिल्क या कॉटन के बड़े बड़े क्लॉथ्स पे बनाया जाता है। और ये पेंटिंग्स इस जगह को बिल्कुल एक पीसफुल और वाइब्रेंट दोनों एक साथ फील करवाते हैं। और यहाँ कैफे में इतनी सारी एंटिक चीज़ें थी, जैसे कि ये सारे छोटे छोटे आइटम्स जो मुझे शांति जी ने बताया उन्होंने अपने ट्रैवल करते समय अलग अलग जगहों से कलेक्ट किए हैं। और एक और चीज जो मुझे बहुत डायनेमिक लगी वो थी यहाँ के मूवी पोस्टर्स, बिकॉज मुझे मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है, बीट हॉलीवुड या बॉलीवुड, यहाँ आपको सारे पोस्टर्स देखने को मिल जाएंगे। मैं बिल्कुल खो सी गई थी इस जगह पे, जहाँ भी नजर घुमाओ हर एक छोटी छोटी चीज में कहानी है इस कैफे में। दिस इज डेफिनेटली एक वो जगह जो आपको जरूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए अगर आप मसूरी आते हो तो। और ये सिर्फ एक कैफे नहीं बल्कि यहाँ रूम्स भी अवेलेबल है, तो आप अपनी लैंडोर की ट्रिप पे एक पीसफुल स्टे भी कर सकते हो यहाँ पे। फिलहाल यहाँ गेस्ट होने के कारण रूम्स तो नहीं दिखा पाए, पर हम बस ऊपर की लॉबी तक गए थे, और रूम्स आप उनके वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। तो वैसे यहाँ पे दो टाइप की सीटिंग्स है,
बाहर का एरिया जहाँ से आप बहुत ही प्यारा व्यू एंजॉय कर सकते हो और नेचुरल लाइट में बैठ सकते हो, और अंदर जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया है ये चाइनीज लैंप और एंटिक्स के साथ। लद्दाख में ना घर के सिक्किम एरिया के बीच में ऐसे स्टोव होता है एंड अगर खाना बनाऊंगी तो ये एक्चुअली मैंने ना अपने घर में खाना बनाने के लिए लाए थे और अभी नहीं हुआ तो यहाँ सजा के रखी हूँ, तो एक दिन मुझे मेरे घर में ले जाके खाना तो बनाना ही है। यहाँ लकड़ी होल है ना प्रॉपर बना हुआ ऐसा बंद उठाया जाता है। ये पता है वो जो हमारे पहाड़ों में ब्रिटिश के टाइम पे बड़ा बड़ा जो बुखारी होता है ना आग जलाने का, ओके लोहे का बनता है, तो ये जो ना हवा हवा ब्रिटिश के टाइम पे हवा देने का ना जैसे और फाइनली हम आते हैं अब खाने पे जो हमारी सबसे ज्यादा फेवरेट चीज है। तो यहाँ इनके कैफे में आपको बेस्ट ऑफ एशियन फूड मिलेगा और कुछ इटालियन भी। वैरायटी में यहाँ चाइनीज जापनीज टिबेटियन बर्मीज सब मिलेगा, तो मैंने शांति से पूछ के अपना ऑर्डर तो दे दिया। तो मैंने यहाँ पे मंगाया था चिकन शाफले, वेज थुक्पा विद मोमोज और हनी फ्राइड नूडल्स विद आइसक्रीम। और यहाँ के प्राइजेस भी काफी डिसेंट लगे मुझे एज पर द फूड दे आर सर्विंग। सबसे पहले मैंने शुरुआत की यहाँ पे ये चिकन शाफले से, और ये डिश मैं पहली बार ही खा रही थी। तो ये एक टिबेटियन डिश होती है, पहले देख के तो बाहर बिल्कुल गुजिया सा लगा मुझे क्योंकि ये आउटर क्रिस्पी कवरिंग बिल्कुल वैसी ही थी, बट ये साइज में काफ़ी अलग थे, और अंदर इसके जूसी चिकन की फीलिंग होती है विद सम वेजीज, और क्या ही बताओ इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल था ये, ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ मैंने पहले कभी क्यों नहीं खाई। नेक्स्ट था ये वेज थुक्पा जिसके अंदर मोमोज डिप किए हुए थे। ओ माय गॉड, मोमोज तो हम सभी को पसंद है और थुक्पा के साथ तो इट्स लाइक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सो ये थुक्पा एक सूप जैसा होता है जिसमें काफ़ी सारी वेजीज होती है, और खाने में बहुत ही फ्लेवरफुल और कंफर्टिंग मील है ये, और ऑफकोर्स मोमोज के साथ तो इसका स्वाद और भी बेहतर लग रहा था जो खाने में बहुत ही जूसी लग रहे थे इस थुक्पा के साथ। लास्ट में था हमारा ये डिजर्ट, और ये क्यूट से दिखने वाली डिश थी हनी फ्राइड नूडल्स विद आइसक्रीम। वाव, इतना टेम्पटिंग लग रहा था ये देखने में ही। सो ये स्वीट क्रिस्पी नूडल्स होते हैं विद हनी ग्लेज, और इसके साथ यहाँ पे वनीला आइसक्रीम विद स्प्रिंकलर्स दिए गए थे, और इसका हर एक बाइट इतना फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था। क्रिस्पी नूडल का क्रंच विद यम्मी ठंडी ठंडी वनीला आइसक्रीम, ये एक परफेक्ट डिजर्ट है विथ अ वेरी डिफरेंट ट्विस्ट, ये आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और बस यहाँ से विंडो से व्यू एंजॉय करते हुए मैंने अपना खाना खाया, और इस जगह से निकलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतनी अच्छी वाइब है इस जगह की। और इसी दौरान मैंने और शांति जी ने और भी कई सारी बातें की, और इसी बीच हमारे कॉन्टैक्ट्स भी एक्सचेंज हुए, और अगले वीक उन्होंने हमें लैंड और उनके घर बुलाया था लंच के लिए। और जिस तरह से उन्होंने अपना घर डिस्क्राइब किया था मुझे, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और नेक्स्ट वीक हम फिर से लैंडोर आए, पर इस बार एक टूरिस्ट जैसे नहीं बल्कि किसी अपने के घर खाने पे जा रहे थे लैंडोर। उनका घर पहाड़ों में बिल्कुल जैसे जंगल के बीच था कहीं, और हम बस शांति जी के पीछे पीछे चलते रहे। और अंदर आते ही उनका घर बिल्कुल उनके कैफे जैसा था, बहुत ही कोजी और पूरा एंटिक से भरा हुआ, और एक साइड में ये ब्यूटीफुल ग्लास वॉल जहाँ से आपको इतना प्यारा व्यू दिख रहा था, और पुराने घर वाली ये वुडन फ्लोरिंग। इतनी अच्छी वाइब थी इस घर की क्या ही बताओ।
यहाँ ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ों ने आपको जैसे गोद में बिठाया हो। और बस हमने वहाँ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया, कुछ खाना बनाया, लंच किया और खूब सारी बातें की हंसी मजाक के साथ। और सामने हमारे दिखने वाले ये खूबसूरत देहरादून और मसूरी के व्यू एंजॉय किए। और हमने शाम होते होते खूब सारी बातें की यहाँ पे, यहाँ की कहानियों की, कुछ म्यूजिक भी प्ले किया और बस नज़ारों को निहारते निहारते यहाँ रात हो गई। और ये मेरा सबसे यादगार दिनों में से एक दिन था। इतनी खुशी और शांति मुझे काफ़ी दिनों बाद महसूस हो रही थी। और हाँ, इन सब में हमारे साथ और दो स्पेशल लोग थे, फैंगो और बुली। पर बस कहानी यही ख़त्म नहीं होती। और अगले दिन हम सुबह उठे, शांति जी ने इसके आगे भी हमारे लिए प्लान बना के रखे थे। वो हमें एक खूबसूरत एक्सपीरियंस पे लेके जाना चाहते थे, पर उनको कुछ अर्जेंट काम आने पे वो नहीं आ पाए और हम खुद ही निकल पड़े यहाँ के एक प्राइवेट फॉरेस्ट वॉक के लिए। और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है, जो कि है ये जबरखेत नेचर रिजर्व, जो कि बहुत ही पास है लैंडोर से। आप यहाँ एंट्रेंस में टिकट लेके जा सकते हो। अगर आपको गाइड भी चाहिए साथ में तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी होती है। हमने गाइड नहीं हायर किया था वैसे, तो उन्होंने हमें हाइक स्टार्ट होने से पहले ही काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ये भी कर सकते हैं आप, यहाँ तक, यहाँ से ऊपर भी आ सकते हैं आप, फिर यहाँ से वापस, और यहाँ से वापस आ सकते हैं। और ट्रेल्स आपको कुछ कुछ ट्रेल्स ऐसा लगेगा कि इसमें लोग चलते नहीं है, क्योंकि पत्ते बहुत गिरे हुए हैं। ठीक है, स्प्रिंग का टाइम है, अगर आप इसमें जा रहे हैं तो इस पत्ते मिलेंगे आपको, बट आपको ट्रेल से भटकना नहीं है। पत्ते मिलेंगे, आगे जाके सांप भी मिलेगा, तो आप कहीं ना कहीं एक जगह आके आप लोन पे आ जाएंगे। ठीक है, चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चलने वाले हैं, पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये अलग अलग रास्तों पे बहुत सारे अलग टाइप के पेड़ दिखते हैं, जैसे कि तरह तरह के पाइन, देवदार, ब्रांच, जिसके बहुत ही खूबसूरत फूल भी होते हैं। और इन फूलों से बना हुआ जूस काफ़ी पॉपुलर है उत्तराखंड में, जैसे आपने मेरे मसूरी वाली वीडियो में देखा होगा। और इसके साथ यहाँ करीब करीब 100 स्पीशीज़ के बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं, और मशरूम्स भी। और ये जो फॉरेस्ट है, ये पूरा 100 एकड़ की ज़मीन पे बनाया गया है। तो हमने कई सारी ट्रेल्स पूरी की यहाँ घूमते हुए, कुछ पाइन कोन्स भी लाए साथ में। ऊपर तक तो हम चले ही गए, जो कि 2000 मीटर की ऊंचाई पर है यहाँ का टॉप, जहाँ से आपको बहुत ही सुंदर व्यूज़ दिखते हैं। पर हम ज़्यादा कुछ नहीं देख पाए उस दिन ऊपर से, क्योंकि बारिश होने लग गई थी और हम बिल्कुल बादलों से ढके हुए थे यहाँ पर। पर ये वॉक अपने आप में ही इतनी सुंदर एक मेडिटेशन जैसे फील हो रही थी। और चारों ओर बस घने पेड़ थे। और इस बीच हमें थोड़ी सी भूख भी लग गई, तो एक जगह हमें जहाँ थोड़ा शेड मिला वहाँ बैठ के हमने थोड़ा ये सिनेमन बन खा लिया, जो मैंने ए प्रकाश स्टोर से लिया था लैंडोर में, जो आपने पिछली वाली वीडियो में देखा होगा। हमने वो बैठ के अच्छे से एंजॉय किया और फिर वापस चल पड़े घूमने। यहाँ ऐसा लग रहा था मानो बस चलते रहो। तो वैसे आपको इस फॉरेस्ट से रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगी। और सच में इससे अच्छा गिफ्ट तो कोई नहीं हो सकता। ऑल थैंक्स टू शांति आंटी, उन्होंने हमें इंसिस्ट किया यहाँ आने के लिए। और बस यहाँ से वॉक खत्म करते हुए हम वापस लैंडोर के लिए चल पड़े। और अब था वापस निकलने का समय, तो शांति जी ने हमें स्पेशल तरह से अलविदा किया, जैसे उनके घर ट्रेडिशनल तरह से करते हैं, और खूब सारी फोटोज क्लिक की साथ में।
अंदर से मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था इतने जल्दी छोड़ के जाने का। ऐसा लग रहा था कुछ हिस्सा छोड़ के जा रहे हैं और बहुत कुछ साथ लेके भी जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां मैं लैंडोर की और ऐसी जगहें और कहानियां लेके आऊंगी आपके लिए। और तब तक के लिए अगर आपने वीडियो एंजॉय की तो कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे हाई ऑन योर क्रेविंग्स।